अब हम माउंट आबू चलते हैं, वहां ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड हेडक्वार्टर पर चलते हैं और वहां पर सबसे मैं देख रहा हूं दादी जानकी जी भी वहां आशीर्वाद देने के लिए आज तो मौजूद है। मैं दादी जी को यहां से प्रणाम करता हूं और दादी जी के स्वास्थ्य के लिए शुभकामना भी करता हूं। ओम शांति, ओम शांति। भारत की उज्जवल भविष्य के लिए कर्णधार प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व परिवार, एक मिनट के लिए सभी बहनें खड़े हो जाए, अभिवादन करें और स्वागत करें। ठीक है, ठीक, अब बैठ जाइए। आज भारत की इतिहास में 15 तारीख सितंबर एक नया इतिहास का रचने के लिए जा रहे हैं और इतिहास बनेगा। इतिहास केवल भारत सरकार की आंदोलन नहीं, ये जनता के आंदोलन, देश के आंदोलन, हर नागरिक के आंदोलन, बच्चों का आंदोलन, बुड्ढों का आंदोलन, शिक्षकों का आंदोलन, एक आंदोलन करके भारत को स्वच्छ बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसे गुरु बनाने का नेतृत्व आपने लिया, इसके लिए आपको बारंबार बधाई, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान का स्वच्छाग्रह से जुड़ने के लिए आभारी हूं। आज निश्चित रूप से भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित को करने में हम सफल हो रहे हैं। देश के युवाओं में एक नया आत्मविश्वास दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेरे कारण या सरकारों के प्रयास से हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप जैसे कर्मयोगियों, 125 करोड़ देशवासियों, मेरे युवा साथियों के हर एक के पुरुषार्थ से संभव हो पा रहा है। आपने अगले 15 दिन में 50,000 स्थानों से अधिक स्थानों को स्वच्छता से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा है वो प्रशंसनीय है। मुझे याद है कि 80वें वार्षिकोत्सव में मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला और मैंने महिला सशक्तिकरण, कुपोषण, ऊर्जा संरक्षण ऐसे अनेक प्रयासों के साथ आपसे जुड़ने का आह्वान किया था। मुझे खुशी है कि आपने इसको ना सिर्फ याद रखा बल्कि 10 सूत्री कार्यक्रम बनाकर देश भर में काम भी शुरू कर दिया। आप हमेशा से समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। स्वच्छता के प्रति जन जागरण में भी आप हमेशा से आगे रहे हैं। संस्थान ही नहीं, आदरणीय दादी जानकी जी खुद भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस अभियान को गति देने में निरंतर अपनी भूमिका निभा रही है और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का जो आपका मार्ग है वो देश में स्वच्छता के स्थायी संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है।